केम छो बदा। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं एग्जाम्पल हमको कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है द PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई रेस टू माइनस मोड एक्स। फाइंड द CDF, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है इंडिविजुअल के लिए। अभी यहाँ पे मोड है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितने पार्ट में डिवाइड होगा। दो पार्ट में डिवाइड होगा। कौन से दो पार्ट। 1/2 ई रेस टू एक्स। जब एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन 0। और दूसरा होगा 1/2 ई रेस टू माइनस एक्स यानी कि एक्स पॉजिटिव के लिए और एक्स नेगेटिव के लिए। एक्स की वैल्यू होगी 0 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। इन दोनों के लिए हमको फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमको फाइंड करनी है फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए। जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 0 होगी तब तो होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स 1/2 ई रेस टू एक्स डी एक्स। 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ई रेस टू एक्स ही हमको दिया हुआ है। और यहाँ पे हमको लिमिट डायरेक्टली पुट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू एक्स। अभी ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी यानी कि 1/2 एक्स की जगह पे तो एक्स ही है यानी कि ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स की जगह पे माइनस इन्फिनिटी। माइनस ई रेस टू इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1 पर ई रेस टू यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी था उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारा फाइनल आंसर हमको मिल गया 1/2 ई रेस टू एक्स। सेकेंड थिंग हमको फाइंड करनी थी एफ ऑफ एक्स के लिए वो क्या थी। जब एक्स की वैल्यू फॉर एक्स की वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 0 हो तब यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसके लिए फंक्शन क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 1/2 ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स 1/2 ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू एक्स का हो जाएगा ई रेस टू एक्स और माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस हाफ ई रेस टू एक्स का। ई रेस टू एक्स लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस हाफ ई रेस टू माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस 1। तो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स 0 टू एक्स 1/2 ई रेस टू 0 ई रेस टू 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0 प्लस हाफ ई रेस टू माइनस एक्स। तो माइनस एक्स ही होगा। माइनस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हमको मिलेगा हाफ इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस हाफ ई रेस टू एक्स प्लस हाफ यहाँ पे हाफ और हाफ हो जाएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर हमको मिल गया 1 माइनस 1/2 ई रेस टू माइनस एक्स।